जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आओ SSC GD 2024 के लिए। दोस्तों SSC GD 2024 में दोस्तों अभी तक कितना फॉर्म अप्लाई हो गया है दोस्तों, और बात आ जाता है इस बार कॉम्पिटिशन लेवल कितना तक रहेगा, कितना लाख कैंडिडेट अप्लाई किया है दोस्तों, बहुत ही एक अपडेट लेके आए हो दोस्तों, और इस जानकारी आपको मिलेगा दिल खुश होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार हर घर में बनेगा फौजी दोस्तों। किस लिए दोस्तों? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, कट ऑफ क्या है ही जाएगा आप लोगों को मैं बताता हूँ सब कुछ। और मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों प्रीवियस ईयर से आप लोगों को मैं बता देता हूँ अपडेट, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। SSC GD 2024 में दोस्तों इस बार 26,164 वैकेंसी है, और इस बार कितना लाख कैंडिडेट अप्लाई करेगा और आपको कितना ताकत लगाना पड़ेगा ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। दोस्तों 2018 में जो वैकेंसी था 60,210 वैकेंसी था, और इसमें 53 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया था, 30 लाख कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम दिया था। दोस्तों 2021 का जो भर्ती था दोस्तों 25,200 समथिंग वैकेंसी था, और 70 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया था, और उसमें CBT देने के लिए दोस्तों 45 लाख कैंडिडेट ने CBT एग्ज़ाम दिया, क्योंकि बाकी जो है वो है उसमें प्रेजेंट नहीं था, और कोई किसी का कारण फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया है। 2022 में जो कोरोना का काल में जो मतलब इसका जो 3 साल रिलैक्सेशन दिया था दोस्तों, वो क्या दिया है, 55 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया था, और उसमें जो है 32 लाख ही कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम दिया। आप मान सकते, आप एक बार सोच लीजिए, जहाँ पे 3 साल रिलैक्सेशन दिया तो अभी कैंडिडेट 55 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया है और 32 लाख कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम दिया है, तो अब कितना कैंडिडेट कम हो गया। देखिए इस बार है 2024 में 26,000 वैकेंसी, और इस बार कितना लाख कैंडिडेट अप्लाई करेगा दोस्तों, क्या इस बार कॉम्पिटिशन लेवल हाई होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मैं बताता हूँ। दोस्तों इस बार लगभग अप्लाई करने का संख्या जो है 50 से लेके 55 के अंदर ही इस बार भी रहेगा दोस्तों, पिछली साल जैसा है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, और पिछली बार जैसे 50 से लेके 55 लाख कैंडिडेट अप्लाई इस बार भी होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों टेंशन नहीं लेना आपको, 55 लाख कैंडिडेट तो अप्लाई तो होगा, CBT एग्ज़ाम कितना आदमी दे पाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों 30 लाख, लगभग 30 लाख कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम दे पाएगा दोस्तों, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट होगा वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कुछ कारण से वो नहीं दे पाएगा। 30 लाख कैंडिडेट में मुकाबला कितना होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वैकेंसी तो कम है और थोड़ा सा कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम होने के बाद भी कट ऑफ इस बार लो जाएगा, क्या कारण हो सकता है दोस्तों इसमें आप खुद सोचिए दोस्तों। कारण फर्स्ट पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट में असम पुलिस के लिए, जो असम में भी है बहुत ही सारा वैकेंसी निकला है दोस्तों, असम गवर्नमेंट में भी, उसका वजह से असम में भी कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है यूपी पुलिस, यूपी 60,000+ वैकेंसी आ गया यूपी पुलिस, इसमें भी इसका वजह से भी कट ऑफ कम जाएगा यूपी में भी, और बाकी स्टेटों में भी पिछली बार जैसे इस बार थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि हर स्टेट में वैकेंसी निकला है, और 2024 में ऐसा वैकेंसी आएगा बहुत जगह में आएगा, और कंपटीशन लेवल दोस्तों बहुत ही ये रहेगा, 2022 में था ना वैसे नहीं रहेगा दोस्तों, इस बार कट ऑफ कम जाएगा, काम कट ऑफ कम जाने का कारण यही है दोस्तों। और बाकी स्टेट में तो ऐसे भी नॉर्मल जाता है दोस्तों, 60-70 होने से नॉर्थ ईस्ट में पास हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, उससे भी इस बार कम हो सकता है कट ऑफ, इस बार दोस्तों कम हो सकता है, उससे भी 60 से भी आराम से आप निश्चित रहे, 60 मार रहेगा आपका सिलेक्शन हो पाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, कोई भी आसाम हो नागालैंड आराम से। और साउथ के लिए भी मैं बता देता हूँ, साउथ में भी आप लोगों को मान सकता है 60-70+ आप रखिए, निश्चित आपका नौकरी। और आप यूपी बिहार से हो तो आपका 110-115 से प्लस रहेगा, तो अभी इस बार पक्का जॉब, क्योंकि 130 गया था पिछली बार, 125 गया था, इस बार इतना नहीं जाएगा, सीधा डाउन हो जाएगा, इस बार देख लेना आप। और बाकी टेंशन लेने का कोई नहीं दोस्तों, वैकेंसी एक ही सही आपको, आदमी बोलता है ना बहुत लाख कैंडिडेट अप्लाई किया इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, जितना कैंडिडेट उसमें रहेगा ना, कोई फिजिकल में निकल जाएगा, कोई मेडिकल में निकल जाएगा, इसलिए दोस्तों क्या है, CBT एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइड होता है ना, जो अच्छा स्कोर वाला है ना, वो
फिजिकल में निकल जाता है, इसलिए क्या कट ऑफ लास्ट में डाउन हो जाता है। और ऐसा है जो फिजिकल में भी क्वालिफाइड कर दिया, सीबीटी एग्जाम में भी अच्छा है, तो अब कट ऑफ ज़्यादा जाता है दोस्तों। इसका कोई भरोसा नहीं, इस बार कॉम ही जाने का चांस है दोस्तों, संभावना। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इस बार ताकत लगाइए, इस बार बहुत कम मार्क्स से भी सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। और बाकी आप लोग टेंशन नहीं लेना है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।